सरकार ने हमारे लिए बहुत सहूलियत दी है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आमूलचूल परिवर्तन करने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में, और जहाँ तक सड़कों का कार्य है बहुत बड़े स्तर पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि लगातार ढोलक वालों का उत्पीड़न सरकार कर रही है। अगर शीशम की लकड़ी के नाम पर अगर आम की लकड़ी के गट्टा अगर कारखाने के अंदर डाल दिया जाता है तो आने के बाद पुलिस भी आ जाती है और DFO वगैरह सारा ऑफिस वहाँ आ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ BSR, आप देख रहे हैं यूपी तक। गंगा के मैदानी इलाके के में बसा ये अमरोहा है, जहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो गंगा के उस पार हस्तिनापुर है और गंगा के इस पार अमरोहा है। बात की जाए तो एक जमाने में अमरोहा को मिनी छपरौली कहा जाता था। आज अमरोहा में जो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या हालात हैं जानने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग अमरोहा नगर के मेरे साथ में हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर अशोक रुस्तगी। तो अशोक रुस्तगी जी, आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ जय सिंधु स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरोहा में, राजनीति विज्ञान विभाग का प्राध्यापक हूँ मैं यहाँ। क्या कहेंगे जो सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, ये जो सुविधाएं दी हैं, क्या संतुष्ट हैं आप इनसे? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कारण ये है कि नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आमूलचूल परिवर्तन करने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में, और जहाँ तक सड़कों का कार्य है बहुत बड़े स्तर पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा कार्य हुआ है जो वास्तव में एक ऐतिहासिक है, और सरकार के कार्यों से मैं समझता हूँ पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम आपका? शक्ति कुमार अग्रवाल। तो क्या काम करते हैं आप? ढोलक का काम है मेरा। और क्या कहेंगे सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो दिया है उससे संतुष्ट हैं? सरकार ने हमारे लिए बहुत सहूलियत दी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, ढोलक का कहाँ कारोबार गाड़ी गली में फैला हुआ है, ऊपर रहना है नीचे हो रहा है, प्रदूषण फैलता है, लोगों से झगड़े होते हैं, यहाँ लकड़ी क्यों डाली वो डाली। तो हमारी डिमांड कम से कम 5 साल से ही चल रही है कि हमें इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया जाए। हमने सुझाव दिया है कि सूत मिलें बंद पड़ी हैं, हमें सूत मिल जो है ढोलक उद्योग के लिए अलॉट कर दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा बिजली के खंभे ऐसे लगे हुए हैं जो मकानों की तरफ झुक गए हैं, कारखानों की तरफ झुक गए हैं, उनसे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये परेशानी भी आ रही है। बाकी सड़कें तो खैर बनाई रही है गवर्नमेंट, सब जगह बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, सब काम करा है, पर समस्या जो है छोटे उद्योग में हमारे यही है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन पा रहा, अलग अलग गली में छोटी छोटी गलियों में हैं। और वैसे हमें इतनी सहूलियत दी है, मंडी समिति वाले परेशान करते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, वन विभाग वाले परेशान करते थे उस पर हमें सहूलियत दी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत सहूलियतें मिली हैं। तो ढोलक व्यापारी इंडस्ट्रियल एरिया की मांग रख रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब सैफी है। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम ढोलक का भी है, मेरा भाई कारखाना चलाता है। कि लगातार ढोलक वालों का उत्पीड़न सरकार कर रही है। अगर शीशम की लकड़ी के नाम पर अगर आम की लकड़ी के गट्टा अगर कारखाने के अंदर डाल दिया जाता है तो आने के बाद पुलिस भी आ जाती है और DFO वगैरह सारा ऑफिस वहाँ आ जाता है और मोटी रकम लेकर वसूली करी जाती है। सरकार लगातार ढोलक वालों को उत्पीड़न कर रही है। क्या होना चाहिए? सुविधा देनी चाहिए ढोलक वालों को सरकार को। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के कोरोना काल के अंदर आप देखिएगा किस तरीके से बदहाल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कोई इलाज नहीं दे पाए, लोगों ने दम तोड़े हैं। जिनका चला गया वो कैसे भूल जाएंगे? आज वो लोग कौन किसको कोसता है? वो सरकार को कोसता है। सरकार की नाकामी की वजह से दूसरी लहर कोरोना की आई थी और इतनी बड़ी लहर आई थी, ये सबको जानकारी है, आपको भी जानकारी है, आपने भी सब कुछ आंखों देखा हाल देखा है। लोगों को शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी तक नहीं मिली, किस तरीके से क्या सुविधा थी सरकार की? मैं तो नहीं मानता पूरी तरीके से सरकार पे। क्या और होना चाहिए? सरकार को चाहिए कि सरकार वर्गों में न बांटकर नहीं लड़ाना चाहिए, सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए, जनता की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं खत्री मनोज संडाल। और क्या व्यापार कर? मैं रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा बिजनेस है, और मैं व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अमरोहा इस समय अपनी दुर्दशा पे रो रहा है,
सरकार द्वारा जो योजनाएं व्यापारी या जनता के लिए आती हैं, यहाँ बैठे हुए सर्वोच्च अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। आज पूरे शहर की सड़कों को आप देख लीजिए, सड़कों की बदहाली हो रही है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त ना हो। सरकार कहती थी गड्ढा मुक्त रोड होगी, आज किसी भी सड़क पे अमरोहा में चले जाइए और गंदगी के मारे जितना इंक्रोचमेंट इस सरकार में हो रहा है, इससे पहले ये इतना इंक्रोचमेंट कभी नहीं हुआ। व्यापारी पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से परेशान चल रहा है, सरकार की ओर से जो योजनाएं आती हैं उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से ये जो अधिकारी बैठे हैं वो नहीं ला पाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से, क्योंकि ये चुनाव का भी समय आ रहा है, सरकार इस ओर ध्यान दे। ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जनता की किसी भी आवाज़ को नहीं पहचानते। ये केवल अपने मत में लगे रहते हैं कि जनता का कोई भी काम आता है उस पर ध्यान नहीं देते। सरकार की जो योजनाएं हमारे लिए आती हैं उसको विफल करने में इन अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों को इस जनपद से बाहर भेज दिया जाए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोनू खान है। क्या करते हैं आप? मैं छात्र हूँ। तो एज ए छात्र सरकार को किस तरह से देखते हैं? सरकार को इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज तो बंद है और चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इनकी नीतियां हैं ना पढ़ेगा इंडिया ना आगे बढ़ेगा इंडिया। सबसे बड़ी विफलता ये रही कि पिछली सरकार ने जैसे बड़े काम लैपटॉप वगैरह कन्या विद्याधन अनेकों योजनाएं छात्रों के हित में चला रखी थी, इस सरकार ने एक भी योजना नहीं चलाई। ये बिल्कुल फेल रही शिक्षा के मामले में सरकार। क्या और चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब 4 महीने बचे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब जानते हैं। कुछ नहीं होने वाला, इनसे उम्मीद भी नहीं है छात्रों को। छात्रों ने बिल्कुल उम्मीद अपनी खो दी है। हर छात्र की उम्मीदों पर जो खरी उतरी थी पिछली सरकार, ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है। और भी तमाम व्यापारी मेरे साथ में हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम बब्बू मंसूरी है। तो बब्बू जी क्या काम करते हैं? हमारे एक तो बहुत बड़ा ट्रेड है अमरोहा में, जिसकी पहचान अमरोहा में कॉटन वेस्ट के नाम से है। और मैं समझता हूँ सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे ट्रेड के ऊपर है और हमारी बिरादरी के ऊपर है, लेकिन जितना शोषण हमारी बिरादरी और हमारे ट्रेड का हुआ है वो शायद अभी तक किसी समाज का नहीं हुआ होगा। जिस तरह से हम बहुत छोटी सी बात कहें, एक नो एंट्री का नाम दे के हमारे कॉटन वेस्ट के कारखानों को इस तरह लूटा जाता है। नो एंट्री लगाई है, जरूरत है नो एंट्री की, लेकिन पहले हमें इंडस्ट्रीज एरिया दे दीजिए ना। हमारा इंडस्ट्रीज एरिया दीजिए, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी समस्या हमारी बिजली, इस तरह लूट रहे हम लोगों को जैसे कि हमने किसी गोश्त का या किसी मीट का प्लांट लगा रखा हो। 2017 के बाद आज तक 4 बार इनकी दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, बार बार दरें बढ़ जाती हैं, तो सारा बर्डन पड़ता है व्यापारियों के ऊपर आके। जर्जर तार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ जर्जर तारों की है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक गाड़ी कॉटन वेस्ट की वो कम से कम 5 लाख रुपए की होती है और जल के राख हो जाती है। कोई मुआवजा सरकार से नहीं है, कोई जर्जर तारों को बदलने वाला नहीं है। तो सरकार हम नहीं समझ पा रहे किस तरह काम कर रही है। हम लोगों को तो बिल्कुल ना इनसे उम्मीद है ना इन्होंने हमारे लिए कुछ करा है। अगर इन्होंने कुछ करना है हमारे लिए तो हमारी मंसूरी बिरादरी का, हमारे स्टेट का एक गठन होना चाहिए जिसका नाम धुनकर होना चाहिए। हम लोग देश का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी गंदगी देश की हम साफ कर रहे हैं। जो कतरों की कटिंग, जैसे आज पॉलीथिन नालों में जाती है, उस तरह पहले कतरों की कटिंग नालों में जाती थी और नाले ब्लॉक हो जाते थे, आज हम उस कतरों से रूई बना रहे हैं। हम तो सरकार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ना कोई हमारी हेल्प है, ना कोई सब्सिडी है, ना कोई हमारा आयोग है। तो हम सरकार से चाहेंगे हमारे इंडस्ट्रीज एरिया दिया जाए, यहाँ एक हमारा धुनकर आयोग बनना चाहिए और बिजली की दरों में थोड़ा सा रियायत करनी चाहिए। दिल्ली में बिजली भी यहीं से आ रही, हिंदुस्तान में, विदेश से नहीं आ रही। तो हम चाहेंगे यूपी की भी दरें कम करनी चाहिए। और भी तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम समीर खान है। समीर जी क्या करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ। किस चीज़ का व्यापार? मेरा चश्मों काम है और डेंटल का सर्जिकल काम। तो जो सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराई है, सड़क बिजली पानी, संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की कोई भी कार्यशैली, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब निकम्मे हैं। क्योंकि सरकार से सुविधा तो बहुत आ रही है, लेकिन हमारे अमरोहा के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। सारी सड़कें हमारी गड्ढा, पूरे शहर में गड्ढे गड्ढे हैं। अगर कोई लेडी या कोई आती है, आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। और हमारी जो दुकानें हैं मेन बाजार में, उसके बाद भी दुकानों में काफ़ी पानी भरा रहता, क्योंकि नालों के ऊपर लोगों ने बहुत बहुत अस्थायी अतिक्रमण और ये सब कुछ कर रखा है। कई बार हम शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना नालों की सफाई हो रही है। हमारा यही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई रेल की हड्डी होता है एक व्यापारी, व्यापारी को हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, यही हमारे साथ।
राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अमरोहा बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। मुरादाबाद के बाद चार विधानसभाओं में अमरोहा को बांटकर अमरोहा जेपी नगर का नाम दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं सर आप? अमरोहा एक ऐतिहासिक शहर है और इसका जो इतिहास है बड़ा प्राचीन है। इसके संबंध में एक पुस्तक भी आई है, अमरोहा का प्राचीन इतिहास, ऋग्वेद काल से और 1200वीं शताब्दी तक। भारत का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है अमरोहा का भारतीय इतिहास में, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी भाग हो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात हो, अमरोहा हर प्रकार से आम और अमन पसंद एक शहर है। जो इसका इतिहास देखा जाए तो पृथ्वीराज की इतिहास से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और बड़ा प्राचीनतम इतिहास अमरोहा का नगर का है। तो तमाम लोग थे ये अमरोहा के, सरकार की सुविधाएं तो पहुंच रही हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रही, लोग नाराज हैं। बी एस आर्या यूपी तक अमरोहा।